अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी मिठाई रेसिपी जिसको इसकी शेप की वजह से खजूर मिठाई कहते हैं। हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1/2 कप सूजी, 1/4 कप सूखा कोकोनट पाउडर। फ्लेवर के लिए इसमें हम सौंफ ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 1/3 कप हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई भी इंग्रेडिएंट कम या ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है वरना मिठाई टूट सकती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद जब आप अपने हाथ में इसको होल्ड करेंगे तो ये होल्ड होगा और ऐसे टूट जाएगा। इससे पता चलेगा आपकी मिक्सिंग अच्छी हुई है। आधे कप से भी कम पानी हमने इसमें ऐड किया है क्योंकि पिसी हुई चीनी भी इसमें है तो वो भी पानी छोड़ेगी, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डो की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। दस से 15 मिनट इसको रेस्ट देना है। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा और ये सेट भी हो जाएगा। रोल करके इसको साइलेंड्रिकल शेप में करना है हमने। अच्छे से रोल होने के बाद इसको थोड़ी टेढ़ी शेप में हमने कट कर लेना है। पतला कट कीजिएगा ताकि ये अच्छे से फ्राई भी हो सकें, कच्चे ना रह जाएं। कट करने के बाद आप सबकी शेप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, उसको हाथों से फिक्स कर लें। जब तक आप इनकी शेप को फिक्स कर रहे हैं तब तक आप ऑयल भी चूल्हे पर रख दें ताकि वो गर्म हो जाए। अब हम अपनी मिठाई को 2 सेक्शंस में फ्राई करेंगे। ध्यान रहे ना हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही कम। ज़्यादा गर्म होने की वजह से वो बाहर से तो पक जाएगा पर अंदर से वो पकेगा नहीं, और कम होगा तो वो बहुत स्लोली फ्राई होगा और जिसकी वजह से वो मिठाइयाँ टूट सकती हैं। तो आपकी फ्लेम जो है वो मीडियम होनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। गोल्डन कलर आने के बाद आप इनको फ्लिप कर लें, साइड चेंज कर लें ताकि वो दूसरी साइड से भी फ्राई हो लें। शुरू में बिल्कुल आपने बीच में कोई चम्मच यूज़ नहीं करनी वरना ये टूट जाएंगी। थोड़ा सा इनको फ्राई होने का वेट करना है, गोल्डन होने पर इन्हें फ्लिप करना है, दूसरी साइड से फ्राई करना है, फिर इसमें आप चम्मच को स्टिर कर सकते हैं ताकि फिर ये हर तरफ से अच्छे से पक जाए। फ्राई करने के बाद आपने इसे किसी पेपर में नहीं निकालना, जाली वाले चम्मच में इनको निकालना है। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इनमें खस्तापन खुद ही से आ जाएगा। आप इस मिठाई को लंबे टाइम तक भी स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने रिव्यू ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा।
आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।